पीटीएल ट्रेबल लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आदि पुरुष टेलर के, रिव्यू हम कर रहे हैं आदि पुरुष का टेलर। तो कैसा है, क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। रावण का घमंड तोड़ने लौटे राम, फिर लहराएगा विजय का भगवा ध्वज। राम 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 की गूंज के साथ वो पल आ ही गया जिसका मूवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रामकथा पर आधारित डायरेक्टर ओम राउत की ये बिग बजट मूवी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें प्रभास राम की भूमिका में है, कृति सनन सीता की भूमिका में है, सनी सिंह लक्ष्मण की भूमिका में है, सैफ अली खान रावण की भूमिका में है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनेगी। प्रभास को फैंस में मेगा स्टार बताया है। यूजर्स का कहना है कि फिल्म में प्रभास राम के करैक्टर को निभा नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। क्या है ट्रेलर में? मेरे मुताबिक रामचरितमानस की चौपाई से शुरू होता है ट्रेलर, जहां हनुमान अपने राघव का गुणगान कर रहे हैं। वे अपने प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। फिल्म में उस रघुनंदन की गाथा दिखाई जाएगी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था, जिसके धर्म ने अधर्म का अहंकार तोड़ा। ट्रेलर में सीता हरण की झलक दिखी है। राम सीता के प्रेम, उनके वनवास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी। राम रावण युद्ध के कुछ सीन्स दिखे हैं, क्योंकि टीजर रिलीज के बाद रावण बने सैफ के लुक पर हंगामा हुआ था, इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिश की है। आदि पुरुष पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में रिलीज हो रही है। मूवी में वत्सल सेठ भी अहम रोल में दिखेंगे। हनुमान का रोल देवदत्त नागे कर रहे हैं। ये पहली बार जब प्रभास और कृति की जोड़ी बनी है। पर्दे पर उनकी फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं। तभी मीडिया में उनके लिंकअप्स की भी खबरें छाई हुई हैं। हालांकि प्रभास कृति दोनों ने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। आदि पुरुष का जब से पोस्टर सामने आया था तभी से ये फिल्म विवादों में है। सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पे हंगामा मचा, इसे कॉपी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो बानर सेना स्टूडियोज ने आदि पुरुष की फिल्म पर उनके काम को चुराने का आरोप लगाया था। टीजर रिलीज के बाद मूवी के वीएफएक्स की घटिया क्वालिटी को लोगों ने आड़े हाथों लिया। इंटरनेट पर ढेरों मीम्स वायरल हुए। लोगों का खराब प्रतिक्रिया के बाद मेकर्स को वीएफएक्स पर फिर से काम करने को मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह से फिल्म रिलीज पोस्टपोन की गई। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्म अब जून में रिलीज हो रही है। टीजर्स देखने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि फिल्म हिंदुओं की भावनाओं को भड़काती है, राम जी की छवि धूमिल की जा रही है, रामायण के तत्वों को छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने मूवी पर बैन लगाने की मांग की थी। दूसरी तरफ रावण बने सैफ अली खान के लुक को भी ट्रोल किया जा रहा था। प्रभास के लिए आदि पुरुष का हिट होना जरूरी है। प्रभास की बाहुबली 2 के बाद से कोई फिल्म नहीं चली है। साहो राधेश्याम बुरी तरह पिटी।
ऐसे में आदि पुरुष का हिट होना प्रभास के करियर के लिए काफ़ी अहम है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट का असर उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी पड़ेगा। एक्टर की आने वाली फिल्मों में सालार प्रोजेक्ट के और राजा डिलेक्स शामिल हैं। मेरा इस ट्रेलर के देखने के बाद मेरा व्यू क्या बोलता है, जिन लोगों ने पहले टीजर देखा था उनका मुंह अभी बंद हो जाएगा इस ट्रेलर देखने के बाद। और ट्रेलर बहुत भव्य बनाया गया है और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और पब्लिक इसीलिए हैप्पी है, तो ऐसा देख के महसूस होता है फिल्म भी इससे अच्छी होगी। तो ये था हमारा इसका रिव्यू। आपको इस पिक्चर रिलीज होगी तो पिक्चर का रिव्यू आपको बताएंगे। धन्यवाद।